नमस्कार दोस्तों, मेरे केसी ट्रेकर चैनल पे स्वागत है आपका। तो आज दोस्तों एक मस्त मज़ेदार किला लाया हूँ। तो दोस्तों महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के सुधागढ़ तालुका में आया हूँ। तो दोस्तों मैं जिस गढ़ किले की बात कर रहा हूँ वो मोस्ट पॉपुलर सुधागढ़ किला आप देख सकते हो। 2000 फुट का डिस्टेंस है। तो दोस्तों मुंबई से जो है वो 140 किलोमीटर और नागोट में रेलवे स्टेशन मात्र 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप आना चाहते हो तो मुंबई पनवेल और पाली खोपली रोड से आ सकते हो, बाय रोड से। तो ये किला शिवाजी महाराज के पावन पैरों तले पावन हुआ किला है। तो इस किले को राजधानी बनाने की पूरी योजना थी और राजधानी बना ही दी थी, मगर कुछ कारणवश राजधानी रायगढ़ में शिफ्ट कर दी गई। मगर कुछ अवशेष हमें राजधानी टाइप के ही मिलने वाले। तो हम लोग मुंबई से रात को 10 बजे निकले हैं और आधे रास्ते पे एक जगह पे रुके थे हम लोग। तो एक शख्स ने हमें इनवाइट किया था, उसके वहीं रुके थे, उनकी कार लेकर आए थे और उन्होंने बुलाया और दिन भर हमारे साथ में रह गए। कुछ लोग हैं तो मैं उनसे मिलाता हूँ और वो महाराष्ट्र के मशहूर ट्रेकर भी है। तो इनका नाम है, आपका नाम? प्रसाद जाधव। तो मैंने तो बहुत आपका वीडियो देखा, मुझे अच्छा लगा आपका वीडियो देख के, और मैं सोच रहा था कि आपका साथ ट्रेक करूँ। तो हमने प्लान बनाया सुधागढ़ का और इसको तो हम लोग साथ में ट्रेक बनाने की योजना बनाई थी। तो आज सक्सेस हो ही गई है, तो चलते हैं और बहुत सी बातें हमें आगे चल के मिलने वाली है और कुछ लोग भी हमारे साथ में हैं तो उनसे भी मुलाकात कराता हूँ। तो चलिए आगे की ओर। हाय, मेरा नाम प्रसाद जाधव। चलो बाय। हाय, मेरा नाम रवि सिराडकर। हाय हेलो, माझं नाव हनुमान गोडिले। हाय गगन गजानन गोडिले। तो दोस्तों सबसे मुलाकात हो ही गई है। तो अभी एक नॉर्मल सीढ़ी मिली है और ट्रैक स्टार्ट हो चुका है। तो अभी सीढ़ी की ओर चलते हैं, आगे साथ और एक सीढ़ी मिलेगी। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मात्र आधे घंटे की नॉर्मल ट्रेकिंग के बाद दो सीढ़ी मिली और एक सीढ़ी शायद ऊपर है। तो नीचे बेस विलेज का नाम था ठाकुरवाड़ी, जहाँ से ये रास्ता है और एक घंटा लेता है, और मुख्य रास्ता राजा जमाने का पीछे की तरफ से है जो तीन घंटा लेता है और वो घोड़से गाँव तेलबेला होके आता है। तो दोस्तों वहीं पर मुख्य द्वार भी मिलने वाला है, तो उधर भी हम नीचे थोड़ा जाके बताएंगे। और तो दोस्तों रियल ट्रैक यहाँ से शुरू होने वाला है। और दोस्तों एक जगह ऐसी है जहाँ मुजरिमों को सजाए मौत दी जाती थी, तो वो जगह भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। तो चलो ऊपर की ओर चलते हैं।
तो चिलकती बुरुज आपने देखा और यहाँ से एक सुंदर नज़ारा और यहाँ से एक टनल जैसा है, तो हम लोग अंदर जाने की कोशिश करेंगे। और पीछे हम लोग ने देखा एक ज़बरदस्त बुरुज मिला हमें और यहाँ पर एक टनल में जाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर भी शायद हमें एक बुरुज मिलेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमें दो सुंदर बुरुज मिले। तो दोस्तों इस किले का इतिहास यह है कि 1440 में ये किला मुगलों ने जीत लिया था। उसके बाद 1657 में ये किले को शिवाजी महाराज ने जीत लिया था और स्वराज्य की राजधानी बनाने का फैसला किया था। परंतु यहाँ से समुद्र के दर्शन ना होते हुए शिवाजी महाराज ने राजधानी को रायगढ़ में शिफ्ट कर दिया था। और आखिरकाल में ये किला 1818 में ये किला अंग्रेजों के पास चला गया था। अभी बहुत सारे अवशेष हमें देखने बाकी है, तो आगे की ओर चलते हैं। हाँ तो दोस्तों आपने देखा होगा कि होराई देवी का मंदिर मिला और ये समाधि थी, वो वीर शहीद जो सिपाही शहीद हो जाते थे उनकी ये समाधि थी। तो यहाँ पर भी एक बुरुज है और आप देख सकते हैं कि वहाँ पर धनगर किले के दर्शन होते हुए और वहाँ पर तेल बेला एकदम दूर दिख रहे। और मैंने बताया था कि हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे जो मुख्य रास्ता मुख्य द्वार महादरवाज़ा जो ओरिजिनल दरवाज़ा पहले का ज़माने का वो नीचे की तरफ है, तो वहाँ पर अभी नीचे की तरफ जाके आपको मैं बताऊंगा। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें ये पंच सचिव जी का वाड़ा मिला और आगे हमने पहले देखा कि दो मंदिर मिले, एक तालाब मिला और भोराई देवी का मंदिर मुख्य मंदिर मिला हमें। तो यहाँ पर पंच सचिव का मतलब होता है यहाँ के जो मुख्य सेनापति सरदार होते हैं उनका रहने का निवास स्थान। तो यहाँ पर कई लोग रह सकते हैं, खाना भी बना सकते हैं और ये मैप भी देख सकते हैं। हम लोग इस तरफ से आए और अभी यहाँ पर है, वो उस तरफ बाकी है जाना। तो दोस्तों हम लोग भी सोचे कि अभी यहाँ पर खाना बनाया जाए क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग रुकते हैं तो खाना भी बनाते हैं। तो यहाँ पर प्रशांत भाई एवं सारे लोग खाना बनाने लग गए हैं, काम चालू हो गया है। तो जिसको जो काम आता है वो काम करना है। तो अभी मुझे कुछ आता नहीं है, तो मुझे शायद जंगल से लकड़े लाने की ड्यूटी लग गई हो, लास्ट में बर्तन मांजने की ड्यूटी। Thank you.
दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये वो महादरवाजा है, मुख्य द्वार, जो जूने रास्ते से होके रास्ता मिलता है, ये दरवाज़ा मिलता है। तो ऊपर चढ़ने में मात्र 15 मिनट लगती है और ये रास्ते से हम नीचे से आएंगे तो 3 घंटा लगता है। वो ज़बरदस्त व्यू, मतलब आप शिवाजी महाराज के हर किले की व्यू रचना देख सकते हैं कि यहाँ से देख सकते हैं कि दुश्मन कितनी मात्रा में है, वो हिसाब से हमला किया जाए। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये आखिरी पॉइंट, लास्ट पॉइंट, टकमक पॉइंट, तो जो हमें रायगढ़ में मिला था सेम टू सेम, तो मैंने कहा ना कि रायगढ़ जैसे ही अवशेष है यहाँ पर, तो यही वो जगह है जहाँ पर मुजरिमों को मौत की सज़ा दी जाती थी, जैसे कि यहाँ से बोरी में पैक करके फेंक दिया जाता था। तो यहाँ पर हमें सुबह 8 बजे से निकले और रात को घर से 10 बजे निकले, मतलब 24 घंटा होने को तो आया है और यहाँ पहुँचे, तो अक्खा किला हम लोग 10 से 12 घंटे में घूम सकते हैं, हम लोग को तो 10 घंटा होने को आया है और नीचे उतरेंगे तो 10 घंटा हो जाएगा। तो हमें वाड़ा मिला, काफ़ी हर जगह पर अवशेष मिले, मतलब राजधानी जैसा ही, तो राजधानी जैसे ही अवशेष पूरे चारों तरफ, और महादरवाजा भी अति सुंदर मिला, तो बहुत सारी चीज़ें मिली है। तो टाइम निकाल के यहाँ पर आना चाहिए, बहुत अच्छा किला। तो हम लोग उस तरफ थे और ऐसा घूम घूम के पीछे महादरवाजा और ऐसा होके यहाँ पर आए। तो दोस्तों बहुत अच्छा सफ़र रहा, और मेरे साथ में कुछ लोग आए थे तो उनको भी पूछते अनुभव कैसा रहा, तो प्रशांत भाई से पूछते हैं क्योंकि ये मेन है, तो कैसा लगा आपको मेरे साथ आके? बहुत ही बढ़िया, मस्त मजा आया, और आगे भी आपके साथ आऊँगा, जरूर कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय शिवराय मित्रानो। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए, और चैनल सब्सक्राइब ना करो तो जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे वीडियो खतरनाक आने की तैयारी में है। बाकी तो आप सुंदर व्यू यानी 360 व्यू आप देख सकते हो। जय शिवराय। केसी ट्रिगर यूट्यूब चैनल में कमलेश चौधरी का नमस्कार, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।